जाओ। क्या बकवास है यार ये। हट। अरे यार एक तो ये छटंकी मामा ने ऐसा निशाना मारा आंख पे, साली सारी दुनिया आधी आधी दिख रही है। अरे संध्या जी संध्या जी मैं आपका छट्टू। हाँ जी बताइए, आप इस समय यहाँ पर आए, क्या हुआ? संध्या जी एक बात बोलना चाह रहा है आपसे। हाँ बोलिए। संध्या जी आप यहाँ पे आराम कर रही हैं, वहाँ हमारी भूख प्यास नींद सब उड़ गई है। जब भी आप संध्या जी यकीन मानना मेरी बात का, जब भी आप मेरे पास से गुजरती हैं तो दिल धड़कने लगता है, पता नहीं क्या हो गया है, धड़ो आवाज आती है अंदर से हमारे। वो क्या है ना, इस उम्र में ना ज्यादा दिल नहीं धड़काना चाहिए, वो क्या है ना दिल कभी भी बंद हो सकता है, तो मैं ये कहूंगी कि आप ऐसा मत करिए, ध्यान रखिए। हाँ अरे भाई कमाल करती हैं आप, अभी तो मेरी उम्र महज 35 साल की है, समझ रही हैं आप? और संध्या जी आप ये मुझसे इस तरह से मुंह छुपा कर क्यों बैठी हैं, इस बात की शर्म मुझसे है? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं वो मेरे को कोई शर्म नहीं आती, लेकिन वो क्या है ना जो मेरा भाई है ना संजू, उसने मुझे बोला कि अजनबियों को ना मुंह नहीं दिखाना चाहिए ज्यादा, वो क्या है ना इसमें खतरा है। अरे संध्या जी वो इसकी क्या जिसमें खतरा ना हो, और मैं हर खतरा लेने को तैयार हूँ। की बकवास लाई हुई है। संध्या जी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, हम आपकी इन कजरारी आंखों के लिए माँ कसम सुरमा लेकर आए हैं। मुझे नहीं लगाना सुरमा, मेरे पीछे पे आ गए हाथ तो के। हाँ ठीक है मैं लगा लूंगी सुरमा, आपने ये छोड़ के चले जाइए, बस जाइए अभी रात होगी, मेरे को ना सोना है, इस समय मैं आराम कर रही हूँ। कमाल की बात करती हूँ, देखो ये सुरमा तो मैं ही लगाऊंगा। ऐसे कैसे लगाएंगे आप, ऐसे कोई जबरदस्ती है हमारे को, ऐसी लड़की को आप सुरमा नहीं लगा सकते इस तरह से, समझे आप? संध्या जी कसम से बता रहा हूँ, इस गरीब की बात सुन ले, मैं तुम्हें सुरमा लगाना चाह रहा हूँ कसम से। तुम मेरी अपना खसोटे ये मतलब सर्दियां शुरू होने के पहले ना पिंकी जी वाला स्वेटर पूरा कर लेंगे, पिंकी जी बोल रहे हैं। सही कह रहे हो दरोगा साहब, गोलर खा के। मतलब चोर आपकी पकड़ में आए या ना आए, ये सिलाइयां आपकी पकड़ से ना छूटती। दरोगा साहब। हाँ जी। मेरे पिंटू जी का कुछ पता चला? ऐसा है सोनपाल जी, पिंकी जी ना मतलब दरोगा हो रखे हैं, कोई जासूस ना है जो ऐसे किसी की बीवी के पीछे दूरबीन लेके ढूंढते फिरेंगे। दरोगा साहब। हाँ। पिंटू जी किसी की लुगाई ना थी, वो मेरी दोस्त भी थी, और एक दोस्त होते के नाते ना इस दोस्त का फर्ज बनता है कि वो अपने पिंटू जी को ढूंढ के बताए। ढूंढो बताओ, किसने मना किया भाई, ढूंढो ना। पिंकी जी को जब पता चलेगा ना आके आपको इत्तला दे देंगे, समझ में आया? इसके बस की ना है। साहब जी मैं तो ये कह रही हूँ ना, कुछ मत कह, तू मंगीलाल बहुत ज्यादा फुदक रही है, तू पीछे के खड़े हो जा, चल चल के थाने में पता ना कितनी सारी सब्जियां काटती है, बात करिए अभी ना, मतलब बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। हाँ भाई चलते अभी। हाँ चलो। अबे क्यों छेड़ रहा मेरी बहन को, तेरे घर में माँ बहन नहीं है? देखा संजू, ये ना आदमी जबरदस्ती मेरी आंखों पे ना सुरमा लगाने की कोशिश कर रहा था, मैं ना पता नहीं इतनी अकेली लड़की थी बैठ के, मैं पता नहीं क्या करने वाली थी, शुक्र है तू आ गया मेरा भाई। अच्छा ओ भाई मेरी बहन की उंगलियों में कांटे निकले, ये वो खुद ना लगा सकती, तू क्यों फालतू में ब्यूटी पार्लर बना जा रहा है? ओए ये सुरमा लेकर मैं आया हूँ,
और ये सुरमा मैं लगाऊंगा। और ये मेरा हक है, सुन लेना, जब यह हाथ किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं और जाता है। अरे अपना हक होते रख, हक है किस बात का? हक है तेरी भतीजी हो रखी। भतीजी? भतीजे की बात कर रहे हो तुम यार मेरे? अरे ये मालूम ही ना है कुछ भैया। अरे मेरा भाई, हमारा और संजना का दोनों का आपस में तुम्हें यकीन ना आ रहा भैया तो खुद पूछ लो। बताओ भैया इनके संग हमारा जुम्मन बताओ। देखो बाबू मुझे मेरे साथ ना ऐसी गंदी बातें करने की जरूरत नहीं। मैं कोई आपको पसंद पसंद नहीं करती हूँ। मैं एक बार ही बोल चुकी हूँ, दोबारा बार बार ये बात नहीं बोलूंगी। मेरे से फालतू तो बातें नहीं करनी है। संजू। हाँ बोल संजू। तू इस फटे टायर से प्यार करती है? तेरा दिमाग खराब हो गया? मैंने अभी बोला है ना 2 मिनट पहले, तेरे को समझ नहीं आ रही मैं क्यों पसंद करूंगी इसको? ये मेरा टाइप का है? चल गया मैं। पीछे पे गया हाथ तो होके मेरे। मैं मुक्का मार दूं इसके। मार। संजना जी, मैं सबसे बता रहा हूँ, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। बाद में फूल खिलने से पहले ही तोड़ लिया, सपनों के मटके को भरने से पहले तोड़ लिया। देखिए वो क्या है ना कि आपके सपने के मटकों को ना मैं इतनी जोर की गोड्डा मारूंगी बुरी तरह से, उसमें जो भी भरा होगा ना निकले आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ अभी आप यहाँ से चले जाइए, मेरे को सोना है गया। जी, आपने ये चारों बजोगत निकल ले भाई, इस सिस्टम गायब कर दूंगा सभी से काम है। ओ भाई ठीक है तू? भाई शुक्र है भगवान का लाख लाख कि तू आ गया। अगर आज मेरी ये काली आंख देख ली होती ना चटंकी मामा ने, तो मेरी जिंदगी काली हो जाती भाई पूरी की पूरी। अरे अरे चटंकी ना बहुत बड़े वाले भाई। और इलायची कैसी हो? क्या बात है, आज सेठ जी की जगह तू आई है गोलर खा के? हाँ बकवास बंद कर, और आज के बाद ना संजना को कभी अपनी बहन मत कहना। क्यों नहीं कहूंगा बहन गोलर खा के? आज के बाद वो बहन क्या भाई हो जाने वाली है क्या? ऑपरेशन करवा रही है क्या वो अपना? चुप। कोई भी भाई होने का फर्ज नहीं निभाया तूने अभी तक। ये क्या बात हो गई? संजना जिस दिन बोलेगी उसी दिन उसका ये भाई उसका बढ़िया सा स्टाइलिश सा हेयर कट काट देगा गोलर खा के। सीरियसली? हाँ सिर्फ हेयर कट करना ही भाई का फर्ज निभाना होता है तो? अरे तुझे कुछ पता भी है कि क्या हो रहा है यहाँ पर? छटंकी मामा ना हाथ धो के पीछे पड़े संजना के, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। क्या 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 किया उस छटंकी ने? क्या किया? अरे संजना की आंखों में सुरमा लगाने के पीछे पड़े हुए वो बेचारी खाल हिरनी की तरह बचती फिर रही उस भूखे शेर से, और तूने जल्दी नहीं की ना तो शिकार हो ही जाएगा आज। तो उसका भाई वो संजय क्या मुंह में गूलर लेके बैठा है क्या? वो क्यों नहीं बचा अपनी बहन को? फट्टू है वो एक नंबर का। संजना ही उसकी हमेशा हेल्प करती है, लेकिन जब आज संजना को हेल्प की जरूरत पड़ी तो उसका ये मुंह बोला भाई तक उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। मतलब लानत है ऐसे भाइयों पे। नहीं ठीक है मैं तो बोल देती हूँ संजना से जाके कि तेरी लंबी उम्र की ना प्रार्थना तो बिल्कुल भी ना करे। तूने खसोड़े का गुस्सा नहीं देखा आज तक? गुस्सा हवा में उड़ रहा है। तू चिंता मत कर, तेरे मामा छटंकी को उसी भाषा में समझाऊंगा जो भाषा उसको समझ में आती है गुलर खा के। द लैंग्वेज ही नोज इन दैट लैंग्वेज ओनली आई विल ब्रेक हिज फिंगर्स एंड टोज। गुलर दे दूंगा उसके मुंह में, देखती जा तू। हाँ इलायची जी और जोर से मारिए ना प्लीज, थोड़ा तेल डालिए ना यार प्लीज, यार सर दर्द हो गया यार, विग पहन पहन के ना। अरे यार कितना तेल पिलाओगे अपने बालों को, क्या बाल सुखाने सर से? छोड़ो। ओहो एक तो इलायची जी हमें ना ये लग रहा है जो आपकी छटंकी मामा है ना जो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, हम बता रहे हैं इलायची जी हम ना आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे इस चक्कर में। इलायची जी हमें समझ में नहीं आ रहा है हम अपनी विग बचाएं या अपनी इज्जत बचाएं। जीजा जी मैं हूं ना
कुछ भी होना आप मुझे आवाज देना, मैं आ जाऊंगी। ओके एलआईसी जी, जब तक आपको आवाज पहुंचेगी ना तब तक वो छटंकी मामा जो है ना अपना संदूर लगाने आ जाएंगे हमारे माथे में। तू इतने में ही परेशान हो गया? अबे मुझसे पूछ, मैंने कैसे झेला है? यहाँ तो खुद का ससुर छेड़ रहा था, कैसे जान बचाई मैं जानता हूँ। पिंटू जी, आप फिर से पापा के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे हो ना। अरे उल्टा सीधा ना बोल रहा हूँ, जो है वो बता रहा हूँ। आपके पापा की तिरछी नजर से कैसे बचाऊं मैं जानता हूँ। एक सेकंड एलआईसी, हमारा ना आपसे एक सवाल था। आप हर बारी हमें एक ऐसा आइडिया क्यों देते हैं जिससे यहाँ तो हमारी जान खतरे में होती है, यहाँ हमारी इज्जत, मतलब ऐसा क्यों? अरे आप इतनी पटाखा हो तो मैं क्या करूँ, मतलब भगवान जी ने आपको इतनी सुंदरता दी है तो चाहने वाले तो होंगे और गले की खाक भी छानेंगे। ये मजाक लग रहा है आपको? मजाक नहीं जीजाजी, try to understand, जब से आप संजना बने तब से हम लोग साथ में कितना रहने लगे हैं, ये काफी नहीं है क्या आपके लिए? तब वो आपके वो शकुनी मामा का क्या करें हम? पहली बात, वो शकुनी मामा नहीं है, और दूसरी बात ये कि मैंने खटोसोटे मतलब खसोटे से बात की है, और अब वो मामा की क्लास खुद ले लेगा। देखा, ऐसी चंट बीवी होनी चाहिए, हर समस्या का समाधान। बहुत सही भाई, बहुत सही। अबे पागल है क्या, मारूंगा साले ऐसी बातें करी तो। लव यू एलआईसी जी। संजना वेट्स छटंकी। संजना मुझे तुम एक बात बताओ कि मैं तुम्हारा कब बनूंगा, मेरी समझ में ना आ रहा। अरे संजना, एक बार मेरी तुम्हारे साथ शादी हो जाए तो तुम मेरी जमानत करने आना। अभी तुझे घूलर देता हूं। संजना कसम से बता रहे हूँ, अगर मेरे होते हुए तुम्हें किसी ने देखा ना, अरे मैं उसकी वो हालत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। या है कोई छटंकी से बोल जाए। क्या है बे? अंधेरी रात है। अरे मेरा बेटा, शेर तो अंधेरी रात में ही निकलता है, तुझे ना मालूम। अब जय शेर बकरी बनेगा। अबे शेर बकरी, जय बता भाई कौन है तू? तेरी मौत। अरे भैया मेरी कमर। क्या कर रहे हैं भाई, यह हमारी हालत खस्ता हुआ जा रही है, तू वहां बैठे हुए पराठे पे ले कैसा जी जाए, तुझे शर्म ना आ रही भैया तुझे? अबे डॉक्टर ने कहा है ना दो दिन में सब ठीक हो जाएगा, बात कर रहा है बेकार की है? क्यों चिचिया रही है फिर, पड़ा रहे बिस्तर में ऐसी? ये लो पराठे। अरे मर गए भैया मेरे। छटंकी भैया ये लो हल्दी वाला दूध पियो, इससे दर्द चला जाएगा। लो। जी जी, एक बात बोलना चाह रही हूँ मैं। इस घर में ना एक तू ही है जो मेरा ध्यान रखती है, वरना हमारा इस घर में कौन ध्यान रखता है? कोई है हमारा ध्यान रखने वाला भला आदमी? हाँ, जो डॉक्टर को पैसे दिए वो तो तेरी बहन ने पेड़ से तोड़कर निकाले हैं, बात कर रहा है बेकार की। ओहो तुम चुप रहो ना इलायची के पापा। छटंकी भैया तुम दुख पियो, पियो। तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि किसी ने अच्छी तरीके से तो छोरी निकाली है। मैं तो जिसने भी निकाली है ना बहुत खूब निकाली है। मुझे भी लगता है कि ऐसे ही नहीं पीटा है आपको, बल्कि ये कोई चेतावनी है, वरना मामा की किससे दुश्मनी हो सकती है? हाँ भाई क्या हो रहा है? किसकी किससे दुश्मनी हो रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। बहुत सही समय पे आए हैं आप रसोईया जी। अरे
मतलब दरोगा जी, देखिए ना, किसी ने बड़ी तबीयत से हाथ धोया है, वो बड़ी तबीयत से पिटाई की है छटंकी भैया की, पता नहीं कौन था। ओहो हो, छटंकी ये क्या हो गया? मतलब ऐसे कौन से चाहने वाले पाल रखे तूने जो इतनी मोहब्बत दिखा रही है तुझसे? दरोगा साहब एक बात कहें आपसे, आप रिपोर्ट लिख लो, जख्मों पे नमक, बात पे छलकते रहिए। दरोगा कैसी बात है तो बताओ तो यार, क्या कहें? हाँ हाँ, वैसे भी पिंकी जी स्वाद अनुसार ही नमक डालते हैं। खैर छोड़ो, ये बताओ हुआ क्या, किसने धोया इतना? अरे दरोगा जी ऐसा चांदनी चौक में कोई पसंद ना करता है, हर कोई तो जो है चप्पल और जूता लिए तैयार रहता है, उसी में से किसी चाहने वाले ने जो है इसे धो दिया बड़े प्यार से। अरे ओ जीजा ये अपने मुंह से ना ये आग उगलना बंद कर दे, बातें कर रहा है हमसे। दरोगा साहब मैं तुम्हें एक एक बात बिल्कुल रत्ती बराबर बिल्कुल ठीक बोलूंगा मैं। हमारा एक नौकर है संजीव, और संजीव की बहन एक संजना है, समझ गए? आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उस लड़की से बेहंतहा यानी कि बेहंतहा प्यार करता हूँ, ये समझ लो। उसी के भाई ने धोया मुझे। हैं? हैं? संजीव जी? नहीं नहीं वो क्यों मारेंगे? अच्छा मतलब आपने किसी को देखा होगा, शक्ल तो देखी होगी, कुछ याद भी है आपको? हाँ। तो तू क्या समझ रही है, ये मैंने सर अपने आप फोड़ा है, अपना सर दीवार पे जाके मार दिया मैंने? दरोगा साहब उस आदमी ने मुझे कूटते बाद मुझे धमकी दी कि मेरी बहन की तरफ देखना मत, मेरी बहन संजना की तरफ भटकना भी मत। अब दरोगा साहब संजना का तो एक ही भाई है संजीव, और दूसरा तो मुझे कोई लगता ना साहब, तो उसने मारा के लिए ऐसी बात है। हाँ ये तो है। एक और भाई है मुंह बोला खसोटे, एक खसोटे को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, कुछ एक चीटी भी ना मार सकता, और फिर ये तो एक छटा हुआ जो है छटंकी है। देखो पर पापा वो संजीव जी बहुत ही सीधे साधे हैं। अरे देखे एक बात आऊं, ये ना कह सकता सीधा साधा है भैया, मैं जिम्मेदारी ना ले सकता उसकी, अभी अभी काम शुरू किया उसने। खैर सेठ जी आप वो टेंशन ना लो, उससे उगलवाने का काम पिंकी जी कर लेंगे, पहले ये बताओ कि वो दोनों है कहाँ? ऊपर। चल भाई मंगी, बचपन से दिल्ली में रह दिया हूँ। आ रहे भाई, आ जा। आइए साहब जी। उठ गई बहना, चलो बहना कम से कम नाश्ता तो बना दे। भैया जाते जाते राखी का धर्म निभाओ और कुछ अच्छा सा पकाओ। अच्छा बहना मैं दुकान पे जाऊं और रसोई संभालूं, तू कुछ ना करे मैं तुझको पालूं? मैं बता रही हूँ मैं ना डंडे मारूंगी, डंडे डंडे मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी मत किया कर। मांगी दरवाजा नौकर तू करना। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आप बड़े हैं आप कीजिए। हाँ बड़े तो हैं। कौन है इधर? मतलब डंडे वाली पुलिस हो रखी है, पिंकी जी आए हैं, दरवाजा खोलो। क्या हुआ आप हैं कैसे? चुटकी से एकदम कांगड़ी पहलवान होकर आपने उस छटंकी को पीटा कैसे? कैसे पीटा कैसे? अरे कैसी बोरम पने की बात कर रहे हो दरोगा जी? नहीं मेरा मतलब, अरे हम छटंकी को क्यों पीटने लगे? हमारा क्या बिगाड़ा उसने? अब झूठ बोल रही है तू।
प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो, प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। संजना जी, जुर्म ना आपके भाई ने किया है, तो आप क्यों यूं नजरें छुपा के वहां खड़ी है? पिंकी जी से बाहर आइए ना। वो मैं नहीं आ सकती हूँ ना, मैं मेरे मेरे को कपड़े नहीं है। क्या नहीं 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 नहीं, तो फिर ना आप अंदर ही रहें। क्या है ना, पिंकी जी अपनी वर्दी ना दे सकती इस वक्त, ड्यूटी में वो रखे ना, आप वहीं रहें। हाँ देखिए, आप प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए। वो मेरा भाई है ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल शरीफ लड़का है। वो ना आज तक उसने ना आज तक चीटी तक नहीं काटी, मैं बता रही, एक नंबर दबोग है गया। ऐसा है संजना जी, देखिए पिंकी जी आपकी भावनाओं की कदर करते, आप ना बहन हो के भी अपने भाई को ना पहचान पाई आप। ऐसा है संजना जी, फिलहाल तो पिंकी जी आपके भाई को गिरफ्तार कर लिए हैं। हाँ मंगिला चल, लेके चल। पिंकी जी की तेज नजरों से बचने लगा था, बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। तू कहाँ देख रही है? ना कुछ ना देख रही हूँ। अबे तू चल ना। अरे 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 अरे